बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम गज़वा खैबर में पहले दिन मुबारजत के मैदान में सहाबी रसूल हजरत आमर बिन अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से बयान करने जा रहे हैं। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त खैबर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमला आवर होने के लिए दुश्मन पर रात के वक्त पहुंचते तो सुबह होने तक उन पर यलगार ना करते। एक दूसरी रवायत में हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो अगला मंजर यूं दखलाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज खैबर के करीब पहुंचकर अदा की। उस वक्त अभी अंधेरा था। सही मुस्लिम की रवायत में हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो मजीद बतलाते हैं कि जब अंधेरे में हम सुबह की नमाज अदा कर चुके तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुए। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार हुए और मैं अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे बैठ गया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के बाजारों में घोड़ा दौड़ाना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक से कपड़ा हट गया, चनाचे मेरा घुटना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक के साथ लगने लगा। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफेद रान को देखने लगा। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में पहुंचे तो यूं ऐलान करने लगे, अल्लाह बहुत बड़ा है, खैबर खराब हो गया। ऐसी कौम के जिसे पहले ही तंबीह की जा चुकी है उससे लड़ने को जब हम उनके मैदान में आ जाते हैं तो उनकी सुबह बर्बादियों का पैगाम लेकर आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार मजकूरा ऐलान फरमाया। उस वक्त लोग अपने अपने कामों की तरफ निकल रहे थे। सही बुखारी की रवायत में हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो के अल्फाज यूं हैं, जब सुबह हो रही थी तो यहूदी अपने कल्हाड़े और टोकरे लेकर बाहर निकल रहे थे। उन्होंने जो ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो यूं शोर मचाने लगे, मुहम्मद हैं, अल्लाह की कसम मुहम्मद ही हैं, वो लश्कर लेकर आ गए हैं। अहजाब यानी इतिहादी अफवाज जब भाग गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अब वो नहीं आएंगे बल्कि हम उनकी तरफ जाएंगे। सो गज़वा खंदक के बाद खैबर की ये पहली लड़ाई थी जो इकदामी और हंजूमी जंग थी। उसका आगाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों पर यलगार से किया जो बार बार जंग की आग भड़काते थे, दूसरी कौमों को बार बार मुसलमानों पर चढ़ा लाया करते थे। अब जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं और उन्हें उनकी करतूतों की सजा मिलने वाली है तो वो भाग भाग कर अपने किलों में किला बंद होने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनका मुहासरा कर लिया और लश्कर के पड़ाव के लिए जगह का इंतखाब किया। हजरत सलमा बिन अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि यहूदियों का बादशाह मरहब तलवार लहराता हुआ मुबारजत के मैदान में निकला और यूं चिंगाड़ने लगा, सारा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, पूरी तरह हथियार बंद बहादुर आजमुदा कार जहर दखलाता हूँ, जब लड़ाइयां शोले उड़ाती हुई आती हैं। ये सुनकर मेरे चचा जान हजरत आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मुबारजत के मैदान में ये कहते हुए निकले, सारा खैबर जानता है
कि मैं आमिर हूँ, पूरी तरह हथियार बंद, लड़ाई में घुसने वाला। हजरत सलमा बिन अकबा रजी अल्लाह ताला अन्हो नक्शा खींचते हैं कि दोनों ने एक एक वार एक दूसरे पर इस तरह किया कि पहले मरहब ने वार का आगाज किया। हजरत आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वार को डाल पर रोक लिया और फिर जब हजरत आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मरहब पर नीचे से वार किया तो मरहब जंप लगाकर ऊपर कूद गया और तलवार का वो वार वापस हजरत आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ही को आन लगा, जिससे उनकी शारा कट गई और वो वहीं शहीद हो गए। हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि ये मंजर देखकर मैं निकल खड़ा हुआ, अब क्या देखता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि आमर का मामला तो खराब हो गया। ये सुनते हुए मैं रोता रोता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा और अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमर का मामला तो खराब हो गया। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐसा किसने कहा? मैंने अर्ज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से बाज ने ये कहा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऐसा कहा गलत कहा, उसके बरअक्स आमर के लिए तो दोहरा अजर है। मुबारजत का मैदान यहूद ने जीत लिया, इस आकड़फू से नहीं जिससे वो मैदान में आया था। हजरत आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तो अपने ही वार से शहीद हुए और शहादत का दूर आजर पा गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में खबर दे चुके थे और वो खबर आगाज ही में पूरी हो गई। मैदान मुबारजत तकमील को पहुंचा और हजरत आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो शहादत की दोहरी खिलते फाखरा जेब तन किए जन्नत में जा पहुंचे। अगला रोज फिर मुकाबले का रोज था, उस रोज क्या हुआ देखते हैं अगला मंजर कल की वीडियो में।